जिला मुख्यालय पर छठे दिन भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। कर्मचारियों ने बुधवार को सीएमएचओ कार्यालय से जिला अस्पताल तक रैली निकाली। इस दौरान रैली में संविदा स्वास्थ्य कर्मी कोरोना किट और एप्रिन पहन कर निकले। जिला अस्पताल में हड़तालरत इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीजों को खिचड़ी वितरित कर अपना विरोध जताया। जिले में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। हड़ताल के दौरान कर्मचारी गांधीगिरी कर अपना विरोध जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। इस बार शासन जब तक कर्मचारियों की मांगे नहीं मानेगा तब तक उनके द्वारा हड़ताल जारी रखी जाएगी। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। कर्मचारी संविदा एकता के साथ आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारी मांग ये है कि हम सभी को नियमितीकरण दिया जाए, जिसमें सारे कैडर के लोग हैं और हम सबका यही विश्वास है कि शायद शासन प्रशासन हमारी ओर ध्यान देगा और हमारी इस मांग को पूरी करेगा। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी सिर्फ नियमितीकरण की है। हम चाहते हैं कि हमको नियमित किया जाए, सारे कैडर को एक लेवल से रखा जाए जिसमें रेगुलर वाले और संविदा वालों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव ना हो। अगर इसके बाद भी अगर समस्या निराकरण नहीं होता तो आगामी अगर निराकरण नहीं होता है हमारी समस्या का तो हम आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये, आगे इसका और उग्र करेंगे और इसको और आगे बढ़ावा देंगे और हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम पूरा इसको जोश के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या नाम लिखा है? श्रीमती मनोरमा ने। कर्मचारी विगत कई दिनों से हड़ताल पर है, शासन प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक रवैया नहीं बताया गया। आज हम लोगों ने रैली के माध्यम से हम लोग आहार पोषण योजना जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उसमें मरीजों को तक पोषण पहुंचाना उस उद्देश्य से हमने पंडाल में भोजन बना के जिला चिकित्सालय में मरीजों को भोजन वितरित किया गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल है, निरंतर जारी रहेगी जब तक प्रशासन की तरफ से सकारात्मक रवैया नहीं रहेगा, आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? रूपेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।